मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फिफ्थ यूनिट, और इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आती होती है व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है सिंपल ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। नोट करते जाइए साथ में, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है जनरली। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जिस प्लेस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है उसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जहां डिलीवर की जाती है उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। नोट हो गया। हेलो, ऑडियो क्लियर है? यस सर। साथ में नोट करते जाइएगा, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड जिस प्लेस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। मीन्स वी मे से दैट कि अगर हमारे पास एक सोर्स हमारे पास अवेलेबल है और सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन हम लोग डिलीवर कर रहे हैं टू अदर प्लेस जिसको हम डेस्टिनेशन कहेंगे, यह जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू कम्युनिकेशन। और इंफॉर्मेशन मीन्स एनीथिंग टू बी कम्युनिकेटेड और टू बी ट्रांसफर्ड। अब इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है ये कई तरीके से हो सकता है और कई तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। एक हमारे पास होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड अदर इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। भाई सारे लोग नहीं आएंगे, दो मिनट वेट कर लेते हैं और तो फिर जनरल बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन जो हमारे पास होता है ये दो तरीके का हो सकता है। पहला हमारे पास हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हो सकता है कोई इलाहाबाद में हो, कोई लखनऊ में हो, कोई गोरखपुर में हो, कोई अलग अलग जगहों पर हो, कोई दूसरे स्टेट में हो, या फिर कोई मे बी पॉसिबल दूसरे कंट्री की बात भी हो सकती है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहते हैं। यह हमारे पास डिस्टेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू अदर टू कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे दो पर्सन अगर सामने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर मोबाइल फोन से या फिर टेलीविजन के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू अगर हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स हमारे पास कई तरीके से हो सकता है, सिंपल स्पीच हो सकता है, या फिर कोई हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे क्लास में अगर हम लोग पढ़ते हैं और आपसे पूछा जाए आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब सिंपल सर हिला देते हो, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, केवल फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, एक गेस्चर हुआ, तो दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं, सेटेलाइट के थ्रू बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, सेलफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास हम लोग को मेनली डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला अगर हमारे पास इसको कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अगर इसको हमें समझना है
तो चलिए हम मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग फोन से एक दूसरे के थ्रू बात कर रहे हैं या फिर अभी जो हम लोग का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें हमारे पास सबसे पहले मेरे माइंड में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है जिसे हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसे हम आपको समझाना चाहते हैं। कोई एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में डेवलप हो रहा है, तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ सेंडर या ओरिजिन। जो सोर्स है उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन का जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अब जो हम सोच रहे हैं बिना बोले आपके पास तो पहुंचेगा नहीं। हेलो, यस सर, यस सर। अगर हमें तो जो भी हम सोच रहे हैं उस चीज को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस समय उसको एक हमें बोलना पड़ेगा, यानी स्पीच में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या फिर हम उसे लिख सकते हैं यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हम उसका डायग्राम ड्रा कर सकते हैं मतलब पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर सकते हैं यानी वीडियो में कम्युनिकेट करना, वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप जो होता है कि इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, स्पीच हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ड्रॉइंग हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, या सिंपल फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है या सर नो के लिए। तो यह जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन को जो हम फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैसेज सिग्नल। देखिए आगे चल के हम लोग मैसेज सिग्नल और इन्फॉर्मेशन दोनों को सेम, जैसे दोनों वर्ड को सेम जगह पे यूज करेंगे, एक ही जैसे यूज करेंगे, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है इन्फॉर्मेशन इज द बेसिक थिंग टू बी कम्युनिकेटेड टू बी ट्रांसफर्ड, एंड मैसेज का मतलब क्या होता है द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल। फर्स्ट स्टेप हमारे पास हुआ जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ सोर्स या फिर सेंडर, और सेकंड स्टेप यह होगा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, सॉरी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज सिग्नल। ये सेकंड स्टेप हमारे पास हुआ। अब जैसे हमारे पास अगर हम लोग दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो सिंपल हमने मैसेज इंफॉर्मेशन को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट किया और बोल दिया तो आपको सुनाई दे दिया। लेकिन अगर हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है, एक चीज बेसिक याद रखिएगा कि कोई भी सिग्नल कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है यह डिपेंड करता है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर। कोई भी सिग्नल कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ये उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो सिग्नल उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो हम बोलते हैं जो ऑडियो सिग्नल जनरेट करते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। जैसे हम कितना भी चिल्ला के बोल रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 100 मीटर ज्यादा हमारी आवाज नहीं जा सकती, 100 मीटर भी नहीं जा पाएगी, मैक्सिमम हमारे पास 50-60 मीटर से ज्यादा नहीं जा पाएगी। तो हमारे पास क्यों, क्योंकि उसके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है। तो इस केस में हमारे पास अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उस केस में उसे मैसेज सिग्नल के तरफ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है थर्ड स्टेप द प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल सो दैट इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। और ये जो प्रोसेसिंग होती है इसी को हम मॉड्यूलेशन करते हैं। आगे चलकर मॉड्यूलेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थर्ड स्टेप ये हुआ कि प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल सो दैट इट कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, अब जब लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे हमारे पास क्या हुआ, इस चीज को मोबाइल फोन अपने सेलफोन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, उस जगह हम सोचते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को बताना है कि यह फंक्शन हमारे पास है, आपको इनवाइट करना है, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं इस डेट पे है, हमारे घर पे फंक्शन, हम इस डेट पर आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन जो हमने सोचा, जैसे हमने उसको कॉल लगाया और मुंह से बोला, तो मुंह से बोलने का मतलब वो इन्फॉर्मेशन मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास उसके बाद क्या होता है, मोबाइल फोन में माइक्रोफोन होता है, तो माइक्रोफोन की हेल्प से हम उस मैसेज सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ आ रही है? अभी भी वो मैसेज सिग्नल है। देखो फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन हुआ, सेकंड स्टेप मैसेज सिग्नल हुआ, लेकिन मैसेज सिग्नल इन नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म यानी स्पीच, एंड थर्ड स्टेप माइक्रोफोन की हेल्प से हमने उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपने ऑडियो सिग्नल को। तो हमारे पास जो कोई भी ऐसी डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे जनरल सेंस में हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। कोई भी ऐसी डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो माइक्रोफोन करता क्या है,
हमारी ऑडियो सिग्नल के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन या ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सिग्नल को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, और उस प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन कहेंगे। मॉड्यूलेशन के बाद वह सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ट्रांसमीटर हमारे सेलफोन में और आपके सेलफोन के बीच में जो कनेक्टिंग मीडियम होता है उसे हम चैनल कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो ट्रांसमीटर साइड में और रिसीवर साइड के बीच का जो कनेक्टिंग मीडियम होता है उसे हम चैनल कहेंगे। तो अगर हम मोबाइल फोन के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो चैनल हमारे पास फ्री स्पेस हो गया, एटमॉस्फियर हो गया। और वही हम पीएनटी के थ्रू बात करते हैं, जो टेलीफोन डायलिंग टेलीफोन आता था उसके थ्रू अगर बात करते तो केबल कॉपर वायर हो सकता था, या फिर ऑप्टिकल फाइबर। आप लोग सब लोग ऐड देखते होंगे कि कोई एफसी केबल लगवाइए, कनेक्शन लगवाइए अपने पास घर में, ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्शन बेटर नेट के लिए। तो उस केस में हमारे पास जो कनेक्टिंग मीडियम होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, उसे हम कहते हैं ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो उस केस में जो कनेक्टिंग मीडियम होगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है। तो हमारे पास जो कनेक्टिंग मीडियम होता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड चैनल। ये चैनल हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है गाइडेड चैनल, दूसरा होता है अनगाइडेड चैनल। तो गाइडेड चैनल में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, कोएक्सियल केबल आ सकता है, कॉपर वायर आ सकता है, ओएफसी आ सकता है। अनगाइडेड चैनल में हमारे पास फ्री एटमॉस्फेयर आ सकता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है या रेडियो कम्युनिकेशन होता है या टीवी हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास जो एंटीना रिसीव कर रहा है जो सिग्नल, क्या उसके बीच में, उसके बीच का मीडियम कैसा है, जो सैटेलाइट से ट्रांसमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर है, तो अनगाइडेड मीडियम हो गया। और दूसरा, अगर हम लोग ओएफसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो डायलिंग वाला फोन आता था नंबर डायल किया जाता था घर में रखा रहता था, उस केस में अगर हमारे पास जो चैनल होता था वो कॉपर वायर होते थे या कोएक्सियल केबल होते थे, तो उस केस में हमारे पास वो गाइडेड मीडिया का एग्जांपल हो गया। yes. तो कितने स्टेप बताए गए, कोई रिपीट कर सकता है? पहला स्टेप क्या था, रिसीवर मैसेज, इन्फॉर्मेशन, वन बाय वन हम बता रहे हैं। मोहम्मद शम्स तबरेज, फर्स्ट स्टेप बताइए जरा। मैसेज नहीं सर, मैसेज को इन्फॉर्मेशन में चेंज करेंगे ना, मैसेज को नहीं इन्फॉर्मेशन चेंज, पहले तो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगा ना। द जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ सोर्स या सेंडर, फर्स्ट स्टेप सही हो गया। सेकंड स्टेप, सुयश फिजिकल इन्फॉर्मेशन, सर कन्वर्जन ऑफ जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू सिग्नल, कन्वर्टिंग द मैसेज सिग्नल इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज सिग्नल, कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल का डेफिनेशन क्या होता है यसिका? मोहम्मद कैफ, मैसेज सिग्नल मतलब क्या होता है हमने सर? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन जनरेटेड, जनरेटेड इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल। और थर्ड स्टेप क्या होगा, यह जो मैसेज सिग्नल जनरेट हुआ अभी नॉन इलेक्ट्रिकल मींस का है, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम इस मैसेज सिग्नल को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास तीन स्टेप हो गए। चौथा स्टेप होता है कि इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल की हम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, और टेक्निकल में इस प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। अब उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं चैनल में या मीडियम में। अब ये चैनल दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, गाइडेड एंड गाइडेड, अनगाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड का एग्जांपल पता है? यस सर, केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर्स या ऑप्टिकल फाइबर। और अनगाइडेड का, एटमॉस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर, एयर हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद जब वो सिग्नल रिसीवर साइड पर पहुंचता है तो इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। अब ट्रांसमीटर साइड पे सबसे लास्ट स्टेप क्या हुआ था, ट्रांसमिशन हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। तो रिसीवर साइड पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिसेप्शन होगा। यस सर। लेकिन जो सिग्नल रिसीव हुआ कौन से फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, वेव के फॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म से पहले ट्रांसमीटर साइड पर क्या हुआ था, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। तो रिसीवर साइड पर क्या होगा,
डीमॉड्यूलेशन उसका अपोजिट प्रोसेस होगा डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि हमारे पास रिसीवर साइड पर मॉड्यूलेशन हुआ था, सॉरी ट्रांसमीटर साइड पर मॉड्यूलेशन हुआ था, तो रिसीवर साइड पर क्या होगा डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो अगेन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही रहेगा, तो वापस उसे हमें नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि ट्रांसमीटर साइड पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर यूज किया था वो माइक्रोफोन था, तो रिसीवर साइड पे उसे नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज किया जाए? स्पीकर। स्पीकर यूज कर लिया जाए या हेडफोन यूज कर लिया जाए, फाइनली स्पीकर ही बोल सकते हैं जनरल सेंस में। अब उसके बाद जो सिग्नल मिला हमें किस फॉर्म का मिल गया? नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म का सिग्नल मिल गया, लेकिन दैट इज ऑल्सो इन फिजिकल फॉर्म। तो फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर जो भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जैसे हम लोग मेल कर रहे हैं या फैक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली डेस्टिनेशन जो होता है जो भी हमारे पास डेडिकेटेड पॉइंट होता है उसको इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है। पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? यस यस यस। ठीक है, अब इसमें आपको समझने वाली दो तीन चीजें हैं, इसमें याद रखनी है कि चैनल क्या होता है। चैनल मीन्स कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये दो टाइप का हो सकता है, गाइडेड हो सकता है या अनगाइडेड हो सकता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि चैनल का दूसरा मतलब भी होता है। जैसे आप लोग टीवी पर टेलीविजन पर चैनल चेंज करते हैं ना, कभी डीटीएच लगाते हैं कभी सोनी लगाते हैं, तो वहां पर हमारे पास चैनल का दूसरा मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांसमीटर। यस सर। तो उसका चैनल का मतलब ये भी होता है कभी कभी कि एक स्पेसिफिक काम के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर देते हैं। जैसे एफएम के लिए अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है, रेडियो सुने होंगे, मोबाइल में देखोगे एफएम के लिए अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है, एएम के लिए अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है, इसी तरीके से मिलिट्री पर्पज के लिए अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है, रिसर्च पर्पज के लिए या फिर वेदर पर्पज के लिए अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है। तो चैनल के दो मतलब होते हैं, चैनल के दो मतलब होंगे। पहला मतलब होगा चैनल का मतलब कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और दूसरा मतलब ये होता है अ फ्रीक्वेंसी बैंड, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज या पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। दोनों मतलब क्लियर अलग अलग? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि सिग्नल की प्रोसेसिंग हम करते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, तो उसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और इसका अपोजिट प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेशन। तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है कि मैसेज मतलब क्या होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो लाइन आ रही है कि आपको बताना है।